ओ छोटू तुम तो रह गए। आराम से होता होगा यार। अच्छा ये तो गुरु वशिष्ठ की कुटिया जैसा लग रहा है, जैसे वानी है मनाली में। चलो वही अंदर का नजारा। जलाने के लिए ये दिया था घर बस। अच्छा तुम लोग मतलब जब तो छोटा था जब यहाँ रहते थे। एक ही बगल वाला भी है पर उनका था ताई भाई का, यहाँ से दरवाजा दूसरे कमरे में जाने का। अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा पहाड़ में? बढ़िया एकदम। आजकल ऐसा है ना ठंड है, खाना पीना जो है साग सब्जी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। ये इस टाइम होता है, ये बैसा के महीने गेहूं का सीजन हो जाता है। अब आज सूखा सूखा आजकल ठंड है बस, देखा होगा सारा। और सोच के जैसे मई जून का महीना तो गर्मी पड़ जाती है। नहीं अभी ठंड तो हमें वैसे इतनी लग नहीं रही कंपैरेटिवली। इतनी नहीं अभी बर्फ गिरने वाला कुछ दिन में अभी। अच्छा अभी बर्फ गिर जाएगा ना और ठंड पड़ जाएगी। आप पहले बार आ रहे हो उधर? हाँ हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए। किधर के रहने वाले सर? हरियाणा। अच्छा हरियाणा। हाँ जी ठीक है ठीक है। आप भी? नहीं नहीं मैं भी यार। अच्छा हम सब वहाँ दिल्ली में जॉब करते हैं। हाँ पता, वहीं द्वारका की तरफ रहते हैं सब लोग। हैं हाँ जी नोएडा। नोएडा नोएडा ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। अच्छा मैं भी कल्याणपुरी रहता था पहले। अच्छा लड़का रहता हूँ कल्याणपुरी खिचड़ीपुर। हाँ नहीं सही, हम लोग तो इधर नोएडा रहते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा तरफ। हाँ जी ठीक है। अब आजकल कुछ नहीं है साग सब्जी वगैरह सब दुकान का खाया जाता है बस। यही है हम लोग तो खैर आदत ही है। आप लोग तो ये होगा कि भाई उगा के खाते हैं। सब उधर ही रहते हैं दिल्ली तरफ, कोई दिल्ली पंजाब वगैरह वगैरह। आप तो ज्यादातर शादी कुछ कोई खेल वोल होता तो तब पहुंचते हैं घर में बस। माइग्रेट हो गए वैसे यहाँ से ज्यादातर। ठीक है ठीक। थैंक यू। ये हमारे किचन है। हेलो सेफ। अंदर से दिखाएंगे ना। चल तेरा
खान साहब लगा हुआ असिस्टेंट असिस्टेंट खान साहब मंडी जी आप क्या कर रहे हैं ये चाय बना रहा होगा पक्का है ना दो रात जब डालना होगा